एक बार की बात है, किसी नदी के पास चुड़ैलों का एक बहुत ही खूबसूरत महल हुआ करता था। उस महल में ढेर सारी चुड़ैलें अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर एक दिन रेखा नाम की एक लड़की आइसक्रीम बेचते हुए चुड़ैलों के महल में पहुंच जाती है। तभी अचानक वहां चारों तरफ चुड़ैलों को देख रेखा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे डर मत लड़की, हम चुड़ैल सिर्फ शाकाहारी खाना खाती है, इसीलिए यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं है। तेरे पास तो ताजा आइसक्रीम है, ला मुझे आइसक्रीम दे दे। तभी चुड़ैल को आइसक्रीम खरीदते हुए देख वहाँ मौजूद दूसरे चुड़ैले भी आ जाती है और वे सभी रेखा से आइसक्रीम खरीदने लगती है। देखते ही देखते रेखा की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वह बहुत सारे पैसे लेकर अपने गाँव लौट जाती है। फिर अगले दिन रेखा गाँव के चौराहे पर बैठ कर अपनी सहेलियों को चुड़ैलों के महल के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक लालची जादूगर रेखा की सारी बातें सुन लेता है। फिर अगले दिन जादूगर ढेर सारी आइसक्रीम लेकर चुड़ैलों की महल की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो जाता है। आइसक्रीम ले लो, ताजी ताजी स्वादिष्ट आइसक्रीम ले लो। तभी जादूगर एक चुड़ैल को ढेर सारी आइसक्रीम खाने के लिए दे देता है। फिर वह चुड़ैल जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम खा लेती है, लेकिन आइसक्रीम खाते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जादूगर फौरन चुड़ैल को एक बड़े बोरे में बांधकर वहां से ले जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद जादूगर चुड़ैल को एक जादू आईने के अंदर कैद कर देता है। मुझे छोड़ दे जादूगर, आखिर तूने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मैं तुझ जैसी बहुत सारी चुड़ैलों को मारकर उनके शरीर के टुकड़ों से एक नया चुड़ैल का शरीर तैयार करूंगा। उसके बाद मैं अपनी आत्मा शरीर के अंदर डालकर इस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बन जाऊंगा। जादूगर के भयानक इरादे जानकर चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है। फिर अगले दिन से जादूगर इसी तरह चुड़ैलों को आइसक्रीम खिलाकर उन्हें घर में कैद करना शुरू कर देता है। इसी तरह एक दिन जादूगर से दो चुड़ैल बहनें आइसक्रीम खरीद कर खा रही थी। तभी वहां से गुजर रही रेखा की नजर उन दोनों चुड़ैलों पर पड़ती है। अगले ही पल वह दोनों आइसक्रीम खाने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर जादूगर दोनों को बोरे में बांध देता है। यह सब देख रेखा को बड़ा ताज्जुब होता है। उसके बाद रेखा जादूगर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। जादूगर दूसरी चुड़ैलों की तरह उन दोनों को भी जादू आईने के अंदर कैद कर देता है। अब मेरे पास बहुत सारी चुड़ैलें इकट्ठा हो गई है, मैं अभी इन सभी को मारकर इनके शरीर के टुकड़े कर देता हूँ। जादूगर की बात सुनकर सभी चुड़ैलें घबराकर रोने लगती है। अरे नहीं, ये तो एक बुरा जादूगर है, एक साथ इतनी सारी चुड़ैलों को जान से मार देगा। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह चुड़ैलों को बचाना होगा। इतना कहकर रेखा एक पत्थर उठा लेती है और जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल होकर पत्थर से जादू आईने पर वार कर देती है। अगले ही पल आईना टूट जाता है और उसके अंदर से सभी चुड़ैलें आजाद हो जाती है। अरे दुष्ट लड़की, तूने आईना तोड़कर मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, आखिर तू कौन है? इससे पहले कि रेखा कोई जवाब देती, सारी चुड़ैलें जादूगर को घेर लेती है। जादूगर एक साथ इतनी सारी चुड़ैलों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी जान बचाकर घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन वह चुड़ैलें उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। फिर वे सभी चुड़ैलें अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर के टुकड़े करके उसे मार डालती है। इस तरह उस धोखेबाज लालची जादूगर की मृत्यु हो जाती है। फिर सभी चुड़ैलें रेखा को अपनी महल में ले जाती है और उसका एहसान चुकाने के लिए उसे खजाने से भरा एक बक्सा दे देती है। इतनी सारी दौलत पाकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह रेखा की गरीबी पूरी तरह दूर हो जाती है और वह दौलतमंद बनकर राजकुमारियों की तरह ऐशो आराम से अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में नीलम नाम की एक औरत अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। फिर एक दिन नीलम के घर गिरधारी नाम का एक दुष्ट आदमी आता है। नीलम, तुझे कर्ज दिए हुए आज पूरे एक साल हो गए हैं, मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ। गिरधारी जी, मुझे कुछ महीनों की और मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तभी गिरधारी की नजर नीलम की बड़ी बेटी पर पड़ती है। नीलम की बड़ी बेटी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। नीलम, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बात सोचने की? चल सीधी तरह निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। यह सुनकर गिरधारी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी छड़ी से नीलम को मारने लगता है। लेकिन तभी नीलम की तीनों बेटियां मिलकर गिरधारी की पिटाई करने लगती है। देखते ही देखते सभी गिरधारी को मार मार कर उसे घर से बाहर भगा देती है।
अपनी इस बेइज्जती से गिरधारी का खून खौल उठता है और अगले ही दिन वह गांव वालों को लेकर नीलम के घर पहुंच जाता है। फिर गिरधारी अपनी कर्ज की रकम वसूल करने के लिए नीलम के घर और खेतों पर कब्जा कर लेता है और उसे उसकी बेटियों के साथ घर से बाहर भगा देता है। उसके बाद नीलम अपनी बेटियों को लेकर गांव से दूर एक जंगल में चली जाती है। माँ, उस गिरधारी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब हमारा क्या होगा। तभी अचानक उनके पास एक बूढ़ा राक्षस आता है। सुनो, मुझे अपने घर काम करने के लिए नौकरानियों की जरूरत है, क्या तुम सभी मेरे घर पर काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। उस राक्षस की बात सुनकर नीलम बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसके घर पर काम करने पहुंच जाती है। वह राक्षस बहुत अमीर था, उसका घर एक महल के जितना बड़ा था। उसके बाद नीलम और उसकी तीनों बेटियां मन लगाकर राक्षस के घर पर काम करने लगती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक राक्षस की तबीयत खराब हो जाती है। फिर काफी इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। सुनो, जंगल के पश्चिम दिशा में एक बड़ी गुफा है, उस गुफा के अंदर जादुई केक का एक बहुत बड़ा पेड़ है। तुम अपनी बेटियों को लेकर वहाँ जाओ और अपनी तीनों बेटियों को एक एक जादुई केक खिला देना। लेकिन हाँ, यह सिर्फ एक ही केक खिलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जादुई केक खाने से क्या होगा? केक खाने के बाद तुम्हारी तीनों बेटियों के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलेंगे और इस तरह तुम सब अमीर बन जाओगी। इतना कहते ही राक्षस अपने प्राण छोड़ देता है। फिर थोड़ी ही देर में राक्षस का आलीशान घर और उसकी सारी संपत्ति अचानक राख बनकर हवा में उड़ जाती है। दूसरी तरफ नीलम अपनी बेटियों के साथ मिलकर राक्षस का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद वह सभी जंगल की पश्चिम दिशा की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में गिरधारी उन्हें देख लेता है। गिरधारी चुपके से उन सभी का पीछा करते हुए उस गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा चमकदार पेड़ मौजूद था, जिसके ऊपर ढेर सारे जादुई केक झूल रहे थे। फिर नीलम की तीनों बेटियां एक एक केक को तोड़कर खा लेती है और अगले ही पल उनके मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद वह सभी सोने के सिक्के उठाकर वहां से चली जाती है। अरे वाह, ये जादुई पेड़ तो बहुत ही कमाल का है। अब मैं भी केक खाकर अपने मुंह से सोने के सिक्के बाहर निकालूंगा। फिर लालच में आकर गिरधारी बहुत सारे केक खा लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से जलती हुई आग बाहर निकलने लगती है। यह देख गिरधारी घबरा जाता है और देखते ही देखते गिरधारी के शरीर में आग लग जाती है। अरे बचाओ बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई, अरे कोई मेरी मदद करो। लेकिन जंगल में गिरधारी की मदद करने वाला कोई नहीं था और थोड़ी ही देर में गिरधारी जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह दुष्ट गिरधारी को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अमीर बनने के बाद नीलम अपनी तीनों बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।